हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपीएससी विद प्रशांत। तो हमारे चैनल को आप लोग देखा करिए, फुल वॉच करिए और स्किप ना करिए। अभी जो टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी का, उसको पूरा देखिए और समझिए, और जो इशू रहे उसमें कमेंट में हमको मेंशन करके बताइए, जो क्यूरी रहे वो पूछिए। और जो ये टॉपिक बता रहे हैं पॉलिटी में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब जितने बता रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था संस्कृत जीवन के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे जीवन में भारत में 8 मुख्य धर्म हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। आप लोगों को पता होगा 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ भारत में। और जैसे 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने सबको वोट देने का अधिकार है यह लिखा था, उन्होंने बताया था। महिला मताधिकार आंदोलन को इंग्लिश में सफ्रेज मूवमेंट कहते थे, वोट देने का अधिकार, इसको बोलते थे सफ्रेज मूवमेंट। और अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। जैसे यहाँ वेद कानून का दक्षिणी अफ्रीका था, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता नेशनल मंडेला, आप जानते होंगे नेल्सन मंडेला, इन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने 1994 सफलता मिली, उन्हें 1994 में सफलता मिली। 2005 में हस्ताक्षर अभियान बिजली के दामों को कम करने के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दामों को कम करने के लिए काम किया गया था। अब एक टॉपिक और है जो कि ग्राम पंचायत से है, इसको भी बता देते हैं। विकास खंड, ग्राम पंचायत में विकास खंड आता है जिला जनपद या पंचायत समिति, उसके बाद विकास खंड के बाद आता है जिला पंचायत, जिला परिषद, निगम पार्षद ही यहाँ निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। जैसे ने बता दिया, आप लोग इसको कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, कोई भी क्यूरी रहे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। एक टॉपिक और लेके आएंगे, जो भी बताएंगे इम्पोर्टेंट ही नोट्स रहे, नोट करिएगा। ये क्लास 7 का हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, देखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।